इस पाथ के थ्रू होते हुए इस पॉइंट से चले ऐसे होते हुए फिर यहीं पहुंच गए, ठीक है। ये जो एसी सोर्स है ये करंट इस डायरेक्शन में दे रहा है। आप यहां से शुरू करो, यहां से यहां जाओगे तो माइनस आई आर के चार्ज वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर जब यहां से आके यहां से यहां जाओगे तुम्हारा पाथ, तुम्हारे पाथ के अलॉन्ग सोर्स करंट दे रहा तो प्लस ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो। केवीएल यूज कर लिया, ठीक है भाई। इस लूप में, इस लूप को हमने क्लॉकवाइज लिया, क्लॉकवाइज लिया तो ये इक्वेशन बना किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। कोई दिक्कत इसमें? इसको सॉल्व कर ले तो आई इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, या इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं है ना। इतना नोट करके एक लाइन लिखो यहां पे, बेटा नोटेड, नोट कर लिया। लिखिए देयरफॉर इन रेजिस्टिव सर्किट, या देयरफॉर इन आर सर्किट करंट इज इन द सेम फेज ऑफ ईएमएफ, करेंट इज इन द सेम फेज ऑफ ईएमएफ, करेंट इज इन द सेम फेज ऑफ पीएचएससी, इन द सेम फेज ऑफ ईएमएफ। ध्यान से देखो, ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है? जीरो। एसएचएम में फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आया था ना, ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी प्लस फाई, फाई को हम क्या बोलते थे? फेज एंगल या फेज डिफरेंस बोलते थे, यही था ना। यहां पे ओमेगा टी, यहां पे ओमेगा टी, फेज डिफरेंस जीरो, दोनों का फेज सेम है। इन आर सर्किट ईएमएफ एंड करेंट बोथ आर इन सेम फेज, इज दिस क्लियर बेटा। देयरफॉर वेव डायग्राम एंड फेज डायग्राम, therefore wave diagram and phase diagram of R circuit, phase diagram ऐसे लिखो, wave diagram and phase diagram bracket में phasor, phasor PHASOR, phase wave diagram और phase diagram या phasor of R circuit is shown in the figure, it's shown in the figure। देखो बच्चों, वेव डायग्राम अगर हम प्लॉट करेंगे तो वेव डायग्राम जो है इस तरह से होगा, आई और ई का वेरिएशन, करंट का ग्राफ जो है सेम फेज में ऐसे वेरी करेंगे, ये करंट है और ये ईएमएफ है, जीरो फेज डिफरेंस जीरो। देखो यहां पे जीरो है, यहां पाई बाई टू है, पाई बाई टू पे करंट भी मैक्सिमम है, ईएमएफ भी मैक्सिमम है, ठीक ना भाई। पाई बाई टू फेस पर करंट भी मैक्सिमम है, ईएमएफ भी मैक्सिमम है, तो फेस डिफरेंस दोनों में क्या हो गया? जीरो हो गया, दोनों सेम फेज में चल रहे हैं। तो ये वेव डायग्राम है आर सर्किट का। अगर फेजर की बात करें तो फेजर ऐसे होगा, ये
ईएमएफ और ये करंट दोनों सेम फेज में है। ये फेजर डायग्राम है आर सर्किट का। आर सर्किट समझ में आ गया? क्लियर? तो ये फर्स्ट सर्किट है आर सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट। सेकंड जो एसी सर्किट है उसको हम इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट या एल सर्किट। इंडक्टिव सर्किट और एल सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और एल सर्किट। देखो बेटा, इंडक्टिव सर्किट और एल सर्किट, ये एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस कैपिटल एल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने इंडक्टेंस बताया था, सेल्फ इंडक्टेंस एल। इसके इसके थ्रू एक एसी सोर्स लगा हुआ है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट आई फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज लूप लिया बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल अप्लाई कर दिया। क्लॉकवाइज लूप के लिए इंडक्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप होगा? माइनस एल डी आई बाय डीटी। कितना वोल्टेज डेवलप होगा इंडक्टर के क्रॉस? माइनस एल डी आई बाय डीटी। ये फॉर्मूला डिराइव किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। और यहां पे ये सेल सपोर्ट कर रहा है पाथ को, तो प्लस ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से इंडक्टिव सर्किट का इक्वेशन बन गया। क्लियर? अच्छा, अब यहां से आई की वैल्यू बता सकते हो क्या होगा? इस इक्वेशन से आई की वैल्यू क्या होगी ये आप बता सकते हो? देखो, अगर मैं यहां से डी आई निकालने के लिए बोलूं तो आप क्या लिखोगे? माइनस ई नॉट बाई, ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, ये लिखोगे ना भाई? इस इक्वेशन से डी आई की वैल्यू निकालना हो तो यही तो लिखेंगे। ध्यान से देख लो, आर एच एस में ले जाएंगे तो प्लस रहेगा। ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, एलएचएस और आरएचएस को इंटीग्रेट कर देते हैं। डीआई इंटीग्रेशन, डीआई का मतलब आई हो गया, और ई नॉट, ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी का क्या इंटीग्रेशन होगा? माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, हो जाएगा बच्चों? अच्छा, इसको इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? देखो, आई इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय ओमेगा एल। कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू।
लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। क्लियर? क्लियर और नॉट? हाँ, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस 90 माइनस कॉस थीटा। एनी डाउट? एनी डाउट? साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन थीटा माइनस पाई बाई टू माइनस कॉस थीटा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो कितना हुआ, ये जो माइनस कॉस ओमेगा टी था इसको मैंने साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिख दिया, तो ये कवर हो गया इसमें। इसके बाद इसको लिखते हैं बच्चों ई नॉट पाई एक्सएल, एक्सएल साइन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। एक्सएल को कहते हैं, हियर एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल इज इक्वल टू टू पाई एफ एल। लिख सकते हैं क्या ऐसा? इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, नोट कर लो इस पर। और अगर ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो आई हो जाएगा ई नॉट बाई एक्सएल। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस एल सर्किट के रेजिस्टेंस की तरह से काम करता है, करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है, तो ई नॉट बाई एक्सएल ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस क्या होगा? आई नॉट साइन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये एल सर्किट में करंट की वैल्यू आ गई, एल सर्किट में करंट की वैल्यू आ गई। एल सर्किट में करंट की ये वैल्यू आ गई, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ईएमएफ अप्लाइड कितना था एल सर्किट में, क्या ईएमएफ अप्लाई किया गया था? ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट पाई बाई टू पीछे है, करंट पाई बाई टू पीछे है, लैगिंग बिहाइंड। भाई इन एल सर्किट करंट लैग्स बिहाइंड, एल ए जी एस लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाई पाई बाई टू। एल सर्किट में करंट ईएमएफ से पाई बाई टू पीछे होगी, लैग करेगी। लिख लो यहीं पे, इन एल सर्किट करंट लैग्स, एल ए जी एस लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ, करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाई पाई बाई टू, लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाई पाई बाई टू। एल सर्किट में करंट ईएमएफ से पाई बाई टू पीछे होगी, जबकि आर सर्किट में करंट सेम फेज में होगी। अब इसको वेव डायग्राम और फेज डायग्राम से कैसे शो करेंगे, ध्यान से देखो। वेव डायग्राम जो बनाएंगे इसका, करंट ईएमएफ का, अगर ईएमएफ इस तरह से वेरी कर रहा है तो करंट पाई बाई टू पीछे होगी। करंट पाई बाई टू पीछे होगी का मतलब कि करंट जो लैगिंग करंट होगी वो यहां से स्टार्ट होगी,
ईएमएफ पहले स्टार्ट हो रहा है, करंट पाई बाई टू पीछे स्टार्ट हो रही है। यहां पे ये जीरो पे है ईएमएफ, ये पाई बाई टू से स्टार्ट कर रही है, तो करंट पाई बाई टू पीछे है, ईएमएफ पाई बाई टू आगे है। ये एल सर्किट का ग्राफ है, वेव डायग्राम है। करंट यहां से शुरू हो रही है जिसका फेज क्या है, पाई बाई टू। अच्छा, अगर फेजर की बात करें तो फेजर के लिए, फेज डायग्राम के लिए ईएमएफ अगर ये है तो करंट इससे पाई बाई टू पीछे है, करंट इससे पाई बाई टू पीछे है, ये इसका फेजर है, फेज डायग्राम। ईएमएफ से करंट पाई बाई टू पीछे। क्लियर बेटा? अब इसमें तीसरी जो सर्किट है कैपेसिटिव सर्किट या सी सर्किट है, फिर उसके बाद एलसीआर सर्किट है, तीनों का कॉम्बिनेशन एलसीआर। हमने एलसी और आर अलग अलग पढ़ा, तीनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है ना। फिर उसके तीन स्पेशल केसेस हैं, एलसीआर के तीन स्पेशल केसेस, एलआर सर्किट, आरसी सर्किट और एलसी सर्किट। इन सभी सर्किट पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस हैं, ठीक है। आज इतना है।